इंटरनेशनल क्रिकेट में 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 1996 में, में गए 36 बॉल रन बनाए मुरलीधरन खेल रहे थे वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट बॉलर सबसे अच्छी बॉल जो होती है ऑफ स्पिनर की जो लेंथ पे गिरती है वो शाहिद अफरीदी छक्का मारते हैं ऑफ ऑस्टम के बाहर से वो पिक करते हैं जब तक उनको पता चला सौ रन बना के खत्म करके चले गए लेकिन बाकी लोग भी इवॉल्व हो रहे हैं उन्होंने क्या करना शुरू किया या हम लोगों ने भी कि टांग की तरफ आ गए क्योंकि आप स्वीप इतना अच्छा नहीं खेलते तो उनको वो जोड़ना पड़ेगा स्वीप नहीं आप बॉलिंग पीछे करने लगते हैं जैसे राशिद भाई कहते हैं कि उनका गेंद पीछे गिरता है अगर वो पीछे गिरता है तो मिड ऑन मिड ऑफ पे छक्का ही लगेगा फिर आपको डेवलप करना पड़ेगा बैकफुट पड़ेगा नहीं तो आप सिर्फ सिंगल ले सकते हैं तो ये इस तरह से अगर आप इवॉल्व करते चले जाएंगे तो उतने ही डेंजरस रहेंगे नहीं तो फिर आपके पाले पे जब गेंद गिरेगी तभी आप वो शॉट मार सकते हैं और हर खिलाड़ी के साथ होता है कोई भी खिलाड़ी संपूर्ण नहीं है नह सचिन तेंदुलकर का दूसरा एग्जाम्पल देता हूं सचिन तेंदुलकर जब आए थे शुरू शुरू में तो वो कहाँ खेलते थे वो आगे ही खेलते थे स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रेट ड्राइव पाकिस्तान वो ना वो सामने खेलते थे नाइन्टीज में अगर आप याद करें शारजा में एक ये जो नई फील्ड बनी है वसीम हो आ, वसीम भाई जो है वो जब गेंद करते थे तब भी एक शॉर्ट कवर लेते थे पॉइंट और कवर्स के बीच में वो क्यों लेते थे क्योंकि मिड ऑफ बिल्कुल सीधा रख लेते थे पीछे कवर को भी बिल्कुल सीधा कर लिया ताकि जो उनकी स्ट्रेट ड्राइव है वो खत्म हो जाए लेकिन अगर वो आप रखें और ये फील्डर ना रखे हुआ तो जैसे ही डिफेंस करेगा सिंगल हो जाएगा लेकिन वो उसकी वजह उसके उसके चक्कर में सिंगल ना मिले कई बार वो वहां पे कैच भी आउट हुए आउट फिर चारी। क्या करते हैं सचिन तेंदुलकर है वो थोड़ा बैकफुट पे खेलने लग जाते हैं पुल नहीं मारते थे लेकिन एक स्टेज आई करियर में उनके फिर वो ना लेंथ जो आपने पीछे की वो पिक करने लगे फिर लोगों ने अलग गेंदबाजी की कभी थर्ड मैन पे नहीं देखा था दो में आपने देखा हो Uh, मैं अच्छे दिन मैं भी याद करूं शोएब अख्तर को उन्होंने मारा पॉइंट पे पॉइंट पे विकी को मारा yeah. क्योंकि वहां पे फिर आप रूम देते थे तो वो क्योंकि जब आप पुल करने लगते हैं तो बॉडी के अंदर लेने लगते हैं कट नहीं मारते तो आपने वो लाइन पकड़ी तो उन्होंने वहां शॉट मारनी शुरू की तो ग्रेटेस्ट तो हर खिलाड़ी की जावेद भाई प्राइम एग्जांपल जावेद मियादाद साहब को जो मैंने जो कमेंट्री में सुना था जब देखा नहीं था तो जावेद भाई छक्का मारा करते थे वो ग्रेट स्टोरी है दिलीप दोषी गेंदबाजी कर रहे हैं जावेद भाई पूछ रहे हैं, रूम नंबर बताओ रूम नंबर बताओ वो डिफेंस करे जा रहे हैं शर्मा थे या दिलीग दिलीग रूम नंबर बताएं, तो उन्होंने दो तीन ओवर बाद दुखी होकर उन्होंने अपना रूम नंबर बता दिया अगली बॉल पे ही निकले और सीधा वहीं पे लॉन्ग ऑन पे छक्का मारा बोलो जाओ आपके रूम से बॉल ले आए क्योंकि वो उन दिनों रूम होटल ग्राउंड के पीछे ही होता था लाहौर में शायद तो वो लेकिन आखिरी में वो छक्का नहीं मारते थे तो वो क्योंकि फिर आप इवॉल्व करते जाते हैं ये खेल है ये खेल सेम नहीं, नहीं, नहीं रह सकता जैसी भाई यहाँ पे एनसीए में मैंने पहले भी ये स्टोरी शेयर की आप क्योंकि हैं आपने ये स्टोरी नहीं सुनी होगी जावेद भाई कोच थे यूसुफ एन भाई दोनों एनसीए में इंडोर में तो वो बॉलिंग मशीन के साथ प्रैक्टिस हो रही थी तो जावेद भाई जाहिर है उस वक़्त हमारे कोच थे तो वो देखा उन्होंने देखने के बाद आए और, और कहने लगे कि भाई देखो ये जो जिस जगह पर आपने गेंद फिट किया हुआ यानी मशीन को सेट किया हुआ है अब आप इसी जगह पर से गेंद मैं खेलूँगा क्या आप खेल सकते हो मैं थर्ड मैन से शुरू करूंगा और पूरे, और पूरे हर तरफ से खेल के तो वो है फिर उन्होंने बल्ला पकड़ा मशीन सेट है और ठीक ठाक गेंद स्पीड के साथ है थर्ड मैन से उन्होंने शुरू किया और सारे शॉट खेल के बताए आखिरी जो उन्होंने ऐसे मारा तो यकीन करें हम लोग सब हक्का बक्का रह के तालियां मारनी शुरू कर दी तो फिर वो उन्होंने बताया कि अगर ये चीज नहीं कर सकते तो तुम्हें कुछ पता नहीं होगा खूबसूरत बात अगर ये चीज आप नहीं कर सकते तो फिर आप ऑर्डिनरी खिलाड़ी हैं क्योंकि आप वैसे खेल रहे हैं जैसे बॉलर खिला रहे हैं, और वैसे भी अगर आप ये कर सकते हैं तो आप बॉलर से खेल रहे मारेंगे नीचे से अगर आप करके उसके पहुंच नहीं। नहीं। के तो उसी गेंद पे आप बॉडी इस तरफ लेके चढ़ जाए उसको आप ऑन मार सकते हैं तो आपको बॉल के ऊपर चढ़ना या बॉल से दूर जाना दो ही चीजें हैं बैटिंग में मेरे को करनी नहीं आई ये तो ऑब्जर्व करके लाइफ में क्योंकि देखिए मैं ना गेम के बारे में ऐसा तब सोचता था ना समझ थी क्योंकि अगर समझ हो तो आदमी उस तरह खेले लेकिन इतनी समझ ही नहीं थी देख देख के सीखें और जब आप किसी से बात करते हैं गेम में समझते हैं तब आपको समझ आती है यार बेसिक तो वही है बेसिक बॉल, बैटिंग की बड़ी सिंपल है और राशिद ने बड़ी अच्छी बात कही थी आज सवेरे जो बॉलिंग के बारे में कहा कि टांगों से होती बैटिंग टांगों से होती है कोई बॉल लेग नेक्स्टम के बाहर नहीं है कोई बॉल ऑफ स्टम के बाहर नहीं है कोई बॉल शॉर्ट नहीं है कोई बॉल हाफ वॉली नहीं है या बहुत आगे है, मतलब है, वो बॉल हो गई। आप को अच्छा बुरा बनाते है खिंची हुई बॉलर से भाई खेलने भाई। की बात बीच में की थी तो एक मैच याद आ गया डरबन में हुआ था वर्ल्ड कप का मैच इंडिया वर्सेज इंग्लैंड जिसमें नेहरा ने छे आउट किए थे तो उसमें कैटिक बॉल रहा था अच्छी बॉलिंग रहा था तेंडुलकर बैटिंग रहा था उसको देखा जाए तो थोड़ा सा बाहर खड़ा हुआ था वो तो थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ बाहर की टेंडुलकर ने कट मारा उसको तो अब उसको अंदाजा होगा कि बाहर नहीं आएगा तो आएगा तो आ गई नेक्स्ट बॉल किया उसने तो टंडकर को जो देखा जाएगा आपको तो कभी मौका मिले उस मैच की वो वीडियो जरूर देखिए उस ओवर की तो थोड़ा सा आया तो बॉल उसने आगे की उसने बिल्कुल तो टाइम किया चौका हो गया तो ऑटोमेटिकली सी बात है वो बॉलर से खेल रहा था तीसरा बॉल क्या करेगा वो शॉर्ट ऑफ लेंथ करेगा जब उसने शॉर्ट ऑफ बॉल उसने की भी नहीं तो वो पोजीशन में था जब बॉल बल्ले से लगी तो स्टेडियम में बाहर गई तो ये है बॉलर्स के साथ खेलना जो जावेद भाई करते थे वाह ठीक है ना उसमें ये होता है कि हमें जो सिखाने की कोशिश करते थे और हम कोशिश करते थे सीख जाएं तीन फील्डर अगर कट पे लेफ्ट हम स्पिनर रखे हुए हैं वो कट खिलाया जा रहा है तो हमारा काम क्या है एक फील्डर को निकालना है वहाँ से वो क्या हम पैडल स्वीप मारेंगे या ऑन खेलेंगे तो एक फील्डर वहाँ से निकल के इधर आएगा फिर मुझे स्पेस मिल गई अंदर कट मारने के बीच में कट मारने के या जो सेकेंड फील्डर है उसके बाहर कट मारने के टाइम मिल जाता है जो कि हमने उनसे सीखा तो गेम अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ तो टंडोलकर की बात करते हैं हम या जावेद मी की बात करते हैं कोचिंग ग्राउंड में है बहुत ज्यादा लेकिन ये मैच की वीडियोस हमें निकाल के देखनी पड़ेंगी कि हमारे बल्ले कहाँ से आते थे एटीज़ में नाइन्टीज में अब हम लोग हैंग कर रहे हैं उस जब हम जाते हैं आगे जाए जाया नहीं जा रहा मैं क्यों बात कर रहा हूँ कि बॉल आगे फेंक दो बस बॉल खुद ही करेगी बट अब ये देखिए ये आब, तो पुरानी बीमारी अगर मैं एज एक्सटर्नल आदमी बात कर रहा हूँ मैं अगर आप याद करें कि सारा कप खेलते थे हम लोग टोरंटो में वहाँ पे भी ऐसी विकेट्स होती थी

चार मैच पहले श्रीलंका से मैच हुआ हम सौ पे ऑल आउट हो गए आज जैसे वहां पे रमीज राजा साहब ने पूछा शाहिद अफरीदी से कुछ उन्होंने अपना जवाब दिया वहां पे पूछा गया महेंद्र सिंह धोनी से कि आपकी सबकी बैटिंग की स्किल या अप्रोच ठीक नहीं था वो कहते हैं आजकल के जमाने में फ्लैट विकेट्स होती है हमारा खेलने का तरीका ये हो गया आज वी विल क्लोज दिस चैप्टर शाम को हम इसके बारे में बात भी नहीं करेंगे अगली फ्लैट विकेट आएगी तो मेरे यही खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलते हैं Hmm. तो या तो वो रास्ता अपना लीजिए जो धोनी ने अपना है जो कि शॉर्टकट है ये भी कहता हूं वो शॉर्टकट है क्योंकि अगर फ्लैट विकेट नहीं है आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अपने आप को बेहतर करने के लिए करें देखिए सहारा सहारा कप की बात हो रही है तो उस अगर पूरा सहारा कप में देखें तो सहारा कप में वहाँ पे मलिक साहब बड़े सक्सेसफुल रहे और हमने जो पहला सहारा कप हुआ वो पाकिस्तान ने जीता दूसरा इंडिया ने जीता फिर तीसरा फिर पाकिस्तान ने जीता था तो मलिक साहब मेरा ख्याल है गालबन पहला और दूसरा वो दोनों खेले तीसरा भी मेरा ख्याल है तीनों खेले तीनों खेले।, खेले।, खेले तो पहले में हालांकि सब कुछ हो रहा था मोहान थी बड़ा प्रॉब्लम में एक मैच में मैं मलिक साहब के साथ बैटिंग में था मैं मेरा बारी आ गई मैं तो एक एंड पे रहा मलिक साहब से मैं पूछा मैंने कहा आप बताएं क्या करें यहाँ पे तो बड़े बड़ों को समझ नहीं आ रही है तो मलिक साहब ये कहने लगे कि विकेट सब कुछ कर रही है तुम सिर्फ अपना काम करो मैं तुम्हें यह बताऊं कि मैं मैंने पूछा फिर उनसे कि उन्होंने कहा तुम इधर खड़े रहो बाकी मेरा काम है इन सबको संभालना तो मैंने कहा आपका वैसे ही जब पाँच सात मिनट हो गए तो मैंने कहा मेरे सीखने के लिए भी मुझे कुछ मिले क्योंकि हो सकता है ऐसी कंडीशन मुझे बहुत दफ़ा मिले तो मैंने कहा मैं इस तरह इस वक्त क्या करूँ आप क्या कर रहे हैं वो मुझे बताएं ताकि मुझे फ़ायदा हो तो कहने लगे मैं सिर्फ इसके बुरे गेंद का इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ गेंद अच्छे तो पड़ेंगे और अच्छों को मैंने अच्छी तकनीक के साथ रखना है रोकना है उसको ब्लॉक करना है या उनको सरवाइव करना है बुरा गेंद ये छे में से एक दो देगा ही देगा और आप देखें उनका मैच उठा के कि उन्होंने वो बुरे गेंदों के ऊपर अगर ऐसी पिचिज के ऊपर आप शॉट बनाने के लिए चले जाएंगे शॉट आप बनाएंगे जब फ्लैट पिचज होंगी आप जहां मर्जी खेल लें जहां पर गेंद कुछ हो रहा है और बॉलर ने अच्छे एरिया में गेंद फेंकना है तो वहां पे अगर आप शॉट बनाने के लिए जा रहे हैं एक तो वो अच्छा अच्छे एरिया में गेंद क्योंकि उसने प्लान ही यही किया हुआ है कि अच्छे एरिया में फेंकना है दूसरा ये कि पिच उसको मदद दे रही है तो दो चीजें उसकी एडवांटेज में जा रही हैं और अब आप जाके शॉर्ट बनाने के लिए जा रहे हैं और प्लस आपकी टेक्निक भी ठीक ना हो तो आपने दो गलतियां की है दो फेवर उनमें जा रही है तो आप जो है वो राशिद राशिदीप के फेवरेट प्लेयर आजकल के दौर में विराट कोहली उनको देख लेते हैं और फिर राशिद भाई आप ब्रेक भी लेंगे ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे फिर आप हमें बताएंगे कि पाकिस्तान के इन प्लेयर्स में गेम अवेयरनेस क्यों नहीं आ रही क्यों नहीं आ रही हालांकि स्किल लेवल है गेम ऐसा अवेर... नहीं है हमारे भी यही है ये यह, यह, जो आप दिखाने वाले हैं ये अकेले ही हैं जिन्होंने पचास बनाए अस्सी बनाने थे बाकी तो पांच आउट होके ही गए तो आज के हालात भी कुछ ऐसे हैं और वो मोहनती की जो बात की उसकी स्टोरी अगर एंड कर दूं उसके अगले हफ्ते हम यहाँ आए थे लाहौर में खेले थे इजाज अहमद ने जो फैंटी लगाई थी वो मोहनती के वहां तक बोले जा रही थी तो ये पिचेस जब बदलेंगी तो गेम भी बदले